हेलो, तो कैसे हो आप सब। अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे कनाडा आके 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो मैं एक माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है। आप कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूशन जाते हो, जो इमिग्रेशन इंस्टीट्यूट है, एक माइंडसेट सेल किया जाता है कि 2 साल की पीआर होगी, आप उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा, 1 साल में आपको पीआर मिल जाएगा। तो लगभग 3 साल में पीआर मिल जानी है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ बोला जाता है कि आपको इमिग्रेशन कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन जाते हैं वहाँ पे बोलोगे कि आप वहाँ पे बोला जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो फिर आपने जो भी लोन वगैरह लिया है तो पार्ट टाइम जॉब से आपका लोन वगैरह निकल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। शायद 1% ऑफ दी यू नो स्टूडेंट्स निकाल पाते हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई के बीच में शायद 4 to 6 months ना अगर ऐसा ब्रेक मिलता है जहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी नहीं निकाल पाते। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि ऐश ही है, ऐश है, मज़े ही मज़े, वहाँ जाओगे पार्ट टाइम जॉब करोगे, फीस निकाल लोगे, उसके बाद जॉब मिलेगी बढ़िया वाली, उसके बाद पीआर मिल जानी है। कोई भी नहीं बताता कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि यार 6-7 महीने या 1 साल भी लग जाता है प्रॉपर फुल टाइम जॉब आपकी पढ़ाई के बाद आपके फील्ड में मिलना, कोई नहीं बताता। और आने के बाद भी इंस्टेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो ये मतलब प्लीज़ ना, एक आने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रखना। ऑब्वियसली मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें आप प्रिपेयर होके रहना और मेंटली टफ रहना। एक आपको दिखाया जाता है कि विजन दिखाया जाता है वो बहुत कुछ बढ़िया है, यू नो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मुश्किल होगी, यहाँ पे भी वो होगा, मतलब मुश्किलात वगैरह होगी। मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, मुझे फुल टाइम भी जॉब मिलके 1 साल हो गया, ठीक है। पीआर एकदम से नहीं मिलता, और यहाँ पे जो पॉइंट्स वगैरह काफ़ी हाई चल रहा है, तो थोड़ा टफ कर दिया है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल है, ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो तो मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो वीडियो ऐसी वीडियोस मैं और निकालता रहता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मतलब ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज वेल। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।